वेलकम बैक दोस्तों हमारे एक नई वीडियो पे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ये ड्रैगन एसएमपी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम तीन यूट्यूबर साथ में मिलकर एक एसएमपी में खेलते हैं, और माइनक्राफ्ट में हम लोग इस एसएमपी को बहुत ही आगे ले जाने का प्लान बना चुके हैं और हम इसे लेके जाएंगे पक्का। लेकिन ये सब तो इंट्रो की बातें हैं, मेरे को वैसे भी इंट्रो करना आता नहीं। हाँ, तो मैं इंट्रो पे ध्यान भी नहीं देता। मेरी मेन बात यह है कि जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे ही होगी। ठीक है, वैसे चैनल पेज पे जाना पड़ेगा, फीड्स में तो आती नहीं है, तो चैनल पेज पे जाओ, वहाँ पे जाके मेरी पिछली वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने इस घर को पूरा किया था, जिसको ISM ने पूरी तरीके से जला दिया था। मैंने इस घर को पूरा किया और अब ये देख, घर देखो कैसा लग रहा है। ओ भाई साहब, ऐसा घर कहीं नहीं देखा होगा तुमने, देख रहे हो? वाह, क्या फील आ रहा है, टेक्सचर पैक की वजह से फील आ रहा है ऐसा, नहीं तो कॉबलस्टोन का फील तो ऐसा आता नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ रहा है ना, आना चाहिए फील। तो बस पिछली वीडियो में हमने यहीं तक दिखाया था। आज आज क्या करना है, आज मेरे को खैर टाइम मिल गया क्योंकि आज संडे है, तो टाइम मिल गया किसी तरीके से। मैंने वैसे कल पेपर है, तो पेपर से एक दिन पहले पढ़ना नहीं चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा आज कुछ बड़ा काम करें। जैसे कि मेरे को पता है, मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि विलेजर्स से रिलेटेड ही कुछ बनाएंगे, तो यहाँ पे या तो हम विलेजर हॉल बनाएं या विलेजर ब्रीटर बनाएं या ऐसा कुछ बनाएं। लेकिन ना फिर मैंने सोचा यार कि अगर विलेजर ब्रीटर या विलेजर हॉल बनाएंगे तो उसमें ना कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैंने बुक ले ली, अब एनविल से लगाऊंगा कैसे, एक्सपी नहीं है, तो हमारे पास एक एक्सपी फार्म होना बहुत ज़रूरी बात है। तो एक्सपी फार्म बनाएंगे आज। एक्सपी फार्म कैसा, देखो एक्सपी फार्म जो होता है दो टाइप का होता है। एक तो पता ही होगा, जैसे टेक्नो गेमर ने बनाया था अपने कासल के ऊपर, बहुत ऊपर बहुत ऊपर, वहाँ मॉब स्पॉन होते थे और नीचे करते थे और हम उन्हें मारते थे वन किल में, वन शॉट किल। एक वाला होता है, एक और होता है जिसमें स्पॉनर मिलते हैं, स्पॉनर को ढूंढा जाता है और स्पॉनर को ढूंढ के वहाँ पे थोड़ी खुदाई करके, ठीक है, और वहाँ पे खुदाई करके थोड़ा खोद ओद के आसपास से मतलब एक डिज़ाइन बना के वहाँ पे भी बनता है। पता ही होगा यार तुम लोग का, यार इतना माइनक्राफ्ट खेलते हो, देखे ही होगा एक आध वीडियो। तो आज हम वही बनाएंगे। हमारा जो बगल वाला मशरूम आइलैंड है, वैसे अभी तो हमने 1.18 में अपडेट कर लिया, लेकिन 1.17 का जो लोडेड चंक्स है वो 1.17 के पुराने वाले ही रहेंगे। तो जो मशरूम आइलैंड है वहाँ पे जाके हम लोग बनाएंगे अपना फार्म। वहाँ पे मैंने देखा एक माइनशाफ्ट है बहुत बड़ी सी, उसमें ना मतलब माइनशाफ्ट तो ऐसी, इसके अंदर 3-4 स्पाइडर के स्पॉनर हैं, केव स्पाइडर के स्पॉनर हैं, तो हम केव स्पाइडर का ही बनाएंगे। और देखो मेरी ये पिकैक्स जो है थोड़ी कमज़ोर सी है, लेकिन इतनी जल्दी भी ख़राब नहीं होगी, अनब्रेकिंग 3 लगाया है, नेदराइट है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं इसे रिपेयर कर देता। लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, डायमंड्स, और डायमंड की मैं एक नई पिकैक्स बनाऊंगा, उसी डायमंड की पिकैक्स से ही तोड़ेंगे, क्योंकि मैं जैसे तुम्हें पता ही होगा पागल तो हो नहीं। तो मेरे पास डायमंड है, डायमंड की एक पिकैक्स बनाएंगे आज हम। ये रही डायमंड की पिकैक्स, ठीक है। XP के नाम पर मेरे पास 28 है, तो ज़्यादा बढ़िया एन्चेंटमेंट तो इस पर लग नहीं पाएगी, लेकिन लगाऊंगा ज़रूर मैं। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ लैपिस, मेरा चोरी ना हुआ हो अगर, हाँ लैपिस, और चलते हैं हम लोग अजवानी के घर पे। यश की भी मेरे हिसाब से कई दिनों से वीडियो नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, पूछता हूँ मैं अभी उससे। खैर ये रहा अजवानी का घर, अगर किसी ने नहीं देखा, उसने वीडियो में नहीं दिखाया, तो ये अजवानी का घर है, बढ़िया ही है, अंदर एमेथिस्ट का बना रखा है, और यहाँ मैंने अपनी एन्चेंटमेंट टेबल लगा रखी है अपनी, क्या ये प्राइवेट वो है, पब्लिक है, तो हमें इसमें सबसे पहले डायमंड पिकैक्स डालनी होगी एक तरफ से, और नीचे से डालेंगे हम इसमें लैपिस लाजुली। और देखो अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 2 अनब्रेकिंग 3 ये वाला अनब्रेकिंग 3 काम करेगा या एफिशिएंसी 2 लगा लूँ, इसके साथ एफिशिएंसी 2 मिलेगा पता नहीं, लगा लेता हूँ, अनब्रेकिंग ही मिला, तो इसे मेरे को वापस से डिसइंचेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी 2 XP चली जाएगी। मेरे को एफिशिएंसी ऐसा कुछ चाहिए, अनब्रेकिंग का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डायमंड तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, तो मेरे को ना मेनली चाहिए अपना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 3 तक मिल जाए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी बढ़िया ही लगता है। रुको यार, डिसइंचेंट करने के लिए ग्राइंडस्टोन चाहिए, वो ऊपर लगा रखा है मैंने, वैसे पूरी XP मिल जाती है क्या, रुको चेक करते हैं, 28 थी मेरे पास, मैंने इसको डाला निकाला तो क्या पूरा मिला, नहीं, ओ व्हाट इज दिस, पूरा नहीं मिला मेरे को, कुछ भी XP नहीं मिली, थोड़ी सी मिली बस। ओ यार ऐसे नहीं चलेगा यार, बैक मेरे को लगा पूरा XP मिलेगा, 28 दोबारा हो जाएगा, इसीलिए ना XP फार्म की बहुत ज़रूरत है। XP फार्म बनाएंगे और वन शॉट किल वाला ही बनाएंगे यार, वो मेरे को बढ़िया नहीं लगता, सॉर्ड की HP भी जाती है उसमें, XP बहुत कम आती है, तो वन शॉट किल वाला ही बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा सोल सैंड वगैरह भी चाहिए, ले आएंगे,
दोबारा से सेम एंचेंट करेंगे, इस बार लगाएंगे अनब्रेकिंग टू अनब्रेकिंग वन। अब है तेरी, ओ यार अब चलो अनब्रेकिंग ही लगा लेता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा यार, और कोई तरीका नहीं है क्या? एफिशिएंसी चाहिए मेरे को, एफिशिएंसी बुक हो कहीं, कोई बुक बुक से लगा दूँ मैं, बुक 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 बुक, कोई बुक नहीं है यार। एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है लास्ट टाइम एक बार और ग्रैंडस्टोन से। अरे यहीं बन जाएगा ना, नहीं आनी है, ग्रैंडस्टोन जहाँ है वहीं सही है। एक बार और ग्रैंडस्टोन से ना इसको डिसएंचेंट करके देखते हैं, बन गया बन गया, नहीं बना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर ब्रेकिंग भी मिल जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एफिशिएंसी चाहिए था, कोई बात नहीं, माइनक्राफ्ट डिसएंचेंटेड ये तो पहले ही मिल गया मेरे को, चल कोई नहीं। देखो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जो खेल रहे हैं गेम ये पूरी तरीके से वो है, क्या कहते हैं इसे, अरे यार मतलब इसमें अचीवमेंट्स ऑन है, ठीक है ये समझो कि अचीवमेंट्स ऑन है, मतलब हम लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं, चीटिंग तो वैसे भी नहीं करते यार, सर्वाइवल सीरीज़ में कोई चीटिंग करता है? कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, मैंने देखा है कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर्वाइवल सीरीज़ में बिल्कुल क्रिएटिव का यूज़ नहीं करते हम लोग, और वैसे भी ये बेडरॉक है, इसमें क्रिएटिव करोगे तो अचीवमेंट ऑफ हो जाती है। एफिशिएंसी 3 अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 2 ये ठीक है, मेरे को एफिशिएंसी चाहिए, 2 ही सही है, हाँ ये बढ़िया है। अब हमारे पास एक पिकैक्स है, इसी से खोदेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खोदना पड़ता है, ठीक है इसी से खोदेंगे, इन्वेंट्री वगैरह खाली कर लेते हैं। मैंने जो वो सैपलिंग्स उठाए थे, लोग सोच रहे होंगे तुम लोग क्यों उठाए सैपलिंग्स, काम है ये जो हमारा आइलैंड है ना थोड़ा सूखा सूखा से नहीं लग रहा तुम्हें? रुको अभी नहीं लग रहा होगा, अभी लगेगा, ये कासिया में लेके आया था, कासिया से चलो जान दो इसको काट दो, कोई काम नहीं है खास काम, टू बी टूट ओ रुक जा तोड़ता हूँ मैं, थोड़ा सा वुड मिल गया हाँ, लेकिन वुड वुड लेना मेन मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव था कि खाली करना, पेड़ खाली करेंगे और दूसरे नए बढ़िया पेड़ उगाएंगे, ठीक है इसे हटाते हैं, हट जा, अजेलिए नाम है इसका, अजेलिए, ये जो नई वाली 1.18 में जो केव बायोम आती है ना उसी में मिलता है। रुको अभी तो मेरी इन्वेंट्री फुल है, मैं खाली करके आता हूँ, दो मिनट में फिर से सब कुछ सेटअप करके तुम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है बस एक दो छोड़ के, तीसरा एक दो छोड़ के, यहाँ ये लगा हटा, तीसरा एक दो छोड़ के, तीसरा, ओए ये क्या हो गया, ओए यार एक चीज़ का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर लावा है यहाँ पे, मैंने पेड़ उगा दिया, पूरा पेड़ चल जाएगा पैक, यही रह गया था क्या? अब जान दो इसे जलने दो, मैं देख लूँगा बाद में, चेस्ट पे तो आग नहीं लगेगी ना, हाँ चल कोई बात नहीं, बाकी पेड़ उग जाना, मैंने वहाँ पे वैसे सैपलिंग्स वगैरह बो दिए हैं, इस साइड बो देता हूँ, वहाँ यार लगना ही नहीं था पेड़ को, गलती से लगा दिया था मैंने, वो आग लग गई वहाँ पे, वही बात है ना जब कुछ होना नहीं होता ना तो वहाँ पे 100 गलतियाँ निकल आती हैं, चलो कोई बात नहीं, टक 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 टक, बस फिर यहाँ उगा दूंगा तो वापस वहाँ कैसे जाएंगे, रुक जा तू हट, यहीं होगा ये पेड़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्यों है ये, जाने दो, हाँ इसकी कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ये माइनकार्ट मेरे को बेकार लगती है एकदम, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना इसको आता है बस, ये गया क्यों नहीं पेड़, अच्छा यहाँ पे ये है, ख़त्म करो इसको अभी चला जाएगा, बस पूरी तरीके से, उसके बाद फिर यहाँ यहाँ मेरा आईलैंड दोबारा से सुंदर हो जाएगा, और इसको भी यहाँ बो देता हूँ तो निकल ही आएगा है ना, अब मेरा आईलैंड दोबारा से चारों तरफ से पेड़ों से घिर जाएगा, ये पता नहीं क्यों लगा हुआ है, देखो ये निकल आया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं, यहाँ लावा फार्म बन ही गया है तो फिर इसे तो बनाएंगे नहीं है, खैर हमारा टॉपिक है, हमें ढूंढना है रूटोडेंड्रोन पे, यहाँ बोता है क्या पेड़, जान दो तो भी लग जाए, बाकी इसे रख देता हूँ मैं, बाकी फालतू सामान ये रख देता हूँ,
और चलेंगे हम अब वहाँ पे। टक, कहाँ पे चलेंगे? अरे वहीं पे, यहाँ जाना जाना है। चलो थोड़ा सा लॉग लेके चलता हूँ, हाँ काम आ सकता है ना। टॉर्च लेके चलता हूँ ना, टॉर्च काम आती है बहुत। टॉर्च के लिए चाहिए कोल, कोल हमारे पास नहीं, ऑब्सीडियन नहीं तो कोल 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 कोल। देखा मैंने, जो अपनी रखी हुई चीज़ें होती है ना बहुत जल्दी ना पहचान में आ जाती हैं। खैर हमें इतना सारा कोल नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा कोल ले लेते हैं। 36 कोल इनफ, 36 से तो पता नहीं, 36 स्टैक 36 से तो बहुत सारा बन जाएगा टॉर्चेस। हाँ हमारे पास स्टिक्स भी है, कोल भी है, तो हम चलते हैं अब वहाँ पे। पहुँच के हम वापस से प्ले करेंगे। तो दोस्तों हम वापस से पहुँच गए हैं, मेरे हिसाब से यही वो जगह है जहाँ पे मैंने माइन शाफ्ट ढूंढी थी लास्ट टाइम। मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं किया, मेरे पास था भी नहीं कुछ। तो मेरे को यार एक बेड भी लाना चाहिए था इन केस कुछ हुआ है सब सा। वैसे कोई नहीं, हम अभी समय फुल नेदराइट आर्मर में है, हमें कुछ नहीं होगा। हम पहुंचने वाले हैं माइन शाफ्ट में कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। आ गए माइन शाफ्ट में, आ गए। यही है माइन शाफ्ट, मैंने इसको बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना रिफाइंड किया है मैंने इसको। जगह जगह पे इसमें ऐसे खंबे बने हुए थे, ठीक किया है सबको। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉनर हैं, गिनती नहीं कर पाओगे इतने स्पॉनर हैं। ठीक है तो हम किसी एक स्पॉनर को चुनेंगे जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। उस बहुत बढ़िया से स्पॉनर में हम लोग बनाएंगे। अच्छा ये देखो, ये मेरे को ग्राउंड मिला था डर्ट का, वहाँ बनाएंगे हम लोग। वो क्या बोल रहा हूँ यार, मैं खुश बहुत हूँ ना इसलिए। देखो एक और स्पॉनर मिल गया मेरे को, बहुत बढ़िया जगह पे है, इसी में बनाएंगे। टॉर्चेस भी लगा रखे हैं मैंने इस पर पहले से ही, ठीक है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ये जितने भी पानी के सोर्स हैं इनको बंद करना होता है। रुको 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 यार, मैं इसको एक बार ठीक करके फिर तुम लोगों से ना प्ले करके मिलता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी हद तक मैंने इसको क्लियर कर लिया है। और मेरे को एक चीज़ मिली कि यहाँ से बहुत सारा तोड़ने के बाद कॉबवेब मेरे को मिल चुके हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग्स जिससे मैं बना सकता हूँ बहुत सारा वूल। तो बहुत सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो तीन बनाऊँगा काफ़ी है मेरे लिए, तीन वूल, ठीक है। और तीन वूल बना करके मेरे पास तो वो ये भी है, तो क्राफ्टिंग टेबल तो मेरे पास है ही, लेके आया हूँ मैं। और मेरे को थोड़ा सा और वुड मिल गया वहाँ, जो पिलर्स थी है माइन शाफ्ट में पिलर्स बने हुए थे ना, वहाँ से वुड मिल गया, ठीक है। खैर इसे यहाँ लगाओ, ये लगाओ, ऐसे करो और ऐसे, और बन जा। ये बड़ा टाइम लगता है यार, खैर छोड़ो, ये हो गया ऐसे। और रिस्पॉन पॉइंट सेट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है यार। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, डरने का मरने का डर नहीं है लेकिन फिर भी होता ना एक बार। चलो खैर छोड़ो, हमें देखो इसे क्लियर करना है। तो चार ब्लॉक इधर से, एक दो तीन चार, मतलब यहाँ तक आ जाएगा लगभग। देखो तो मैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कलेक्ट हो रहे हैं उसको यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। चार मतलब यहाँ तक आ जाएगा, तो इसे यहाँ से बंद करना होगा। चल तू भी बंद हो जा, ये कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी चल बंद बंद बंद, ठीक है। और चार ब्लॉक्स इधर से, एक दो तीन चार, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। खैर मैं अभी रेल्स कलेक्ट करनी है, ज़रूरत हो सकती है, खैर छोड़ो। और चार ब्लॉक्स इधर से, एक बस इसे तोड़ना है बाद में, एक दो तीन और एक और, ठीक है। लेकिन मैं वाली पिकेक्स यूज़ ही नहीं कर रहा जो मैं लेके आया था, हाँ ठीक है। तो मैं इसको पहले यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको इसके एक्सपी नहीं करवाना चाहता नई वाले की। तो ये हो गया यहाँ तक, अब इसे पूरा हमने ना खोदना है, ऊपर चार ब्लॉक और नीचे चार ब्लॉक वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसे पूरी तरीके से खोदना है, तो ठीक है शुरू हो जाओ। जय जवान जय किसान, काटो काटो काटो। वैसे माइनशाफ्ट में क्या होता है ना, इतना ना खोदने की दिक्कत नहीं होती, माइनशाफ्ट वाले स्पॉनर्स में इतना खोदने की दिक्कत नहीं होती क्योंकि पहले से ही खुदा खुदा पड़ा है, ठीक है। छोड़ो अभी नीचे ऊपर का मत देखो, अभी जो खुद रहा है खोदो और ना बाउंड्री कर दो यार। मेन यही होता है कि बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे और ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे 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 और ये। ठीक है, मेरा बेड बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेड को बाहर ही रहने दो। बेड कौन सा अंदर रहने के लिए आता है, रुको मैं इसे यहाँ से तोड़ देता हूँ। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में तोड़ना ही पड़ता है इसको। चलो इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। ठीक है, ओके, तो ये एरिया हो गया पूरा का पूरा। और क्या चाहिए हमको? हाँ, ये जो कि अंदर आ रही हैं चीज़ें, इन्हें हटाना है। ये पिलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये और ये, देखो एक तरीके से हो गया। और देखो टॉर्च की कमी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ना स्पॉनिंग शुरू हो जाएगी। स्पॉनिंग हमें शुरू नहीं होने देनी किसी भी कीमत पे। स्पॉन शुरू हो गया तो ओ ओ रुको, मैं ना ठीक करके आता हूँ। तो यार मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट स्पैन, एक नींद में चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वापस से आ गया है इंटरनेट और हम भी वापस से आ गए। तो हमें यहाँ तक खोदना है, जैसा कि पता ही होगा मैं ब्रेक पे गया था। भाई तुम लोग थोड़ी ब्रेक पे गए थे, तुम लोग तो भाई वैसे ही बैठे हो। तो इसे करो, इसे करो, इसे करो। मैंने देखा यार मेरी वीडियो ना लोग पूरा नहीं देखते, ये पक्का है, 100% पूरा देखा करो यार, मज़ा तभी आएगा ना जब तुम पूरा देखोगे। ऐसे आधा अधूरा देख के यार कोई मज़ा कहाँ है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, समझोगे कहाँ, पता है मेरे को। चालाक लोगो, तुम लोग देखोगे नहीं, बस नाम के लिए व्यूज़ हो गए, बस वीडियो देखने मज़ा नहीं आता। यार एक बार पूरा देखो, फिर मज़ा आना है तो कमेंट करके बताओ। मैं नहीं कहता लाइक करो, ये सब मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सही में तुम कमेंट जरूर करो यार, भले लाइक करो ना करो, कमेंट करो। कहाँ लगा रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। ठीक है खैर छोड़ो, इसे लगाओ। हाँ, तो हमें इसी के साथ चार ब्लॉक इधर भी जाना है। चार ब्लॉक इधर का हो गया, अब चार ब्लॉक इधर, 1 2 3 4। ठीक है, चार ब्लॉक छोड़ के पाँचवें ब्लॉक से लगाना है ना। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। टॉर्चेस भी गलत ही लगा रखी है मैंने सारी, मेरे को टॉर्चेस लगानी नहीं थी वहाँ पे, वहाँ लगा दिए मैंने, जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाया। या चलो लगा रहे हैं, तो यार कुछ स्पॉन हो गया तो टॉर्चेस की कमी थोड़ी है। हाँ, मैंने और टॉर्चेस बना ली थी कोल से, कोल तो लेके ही आया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, चार चार हो गया। यहाँ से हमें वॉल पूरी करनी है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, अरे मतलब बेसिकली एक पूरा बनाना है बढ़िया सा वॉल का। और देखो क्या है कि इसे पूरा यहाँ से क्लियर करना है, और जो गड्ढे हों इस समय भर दो। इस समय क्या है ना कि अभी हमें नहीं देखना नीचे कितना खोदना है, ऊपर कितना खोदना है, अभी दाएं बाएं का पूरा करो और गड्ढे भर दो। गड्ढे नहीं होने चाहिए, गड्ढे होते हैं बाद में फिर दिक्कत करते हैं। वैसे फिर यार बहुत सोचा मैंने, और मेरे को पता चला यार कि अब वन शॉट किल वाला बनाऊं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नेदर जाना पड़ेगा। खैर चलो वो बाद में देखेंगे, पहले गड्ढा तो कर दें, पूरी तरीके से गड्ढा करना है पहले, मेन मोटिव यही है, गड्ढा होना चाहिए। हाँ ठीक है, हो गया। तो एक 4x4 का हो गया, यहाँ से भी करना है, वहाँ तक जाना है, लगा दो सारे ब्लॉक्स। अच्छा हम बेड रॉक में ना, इसलिए फ़ायदा है कि ना ऐसे ब्लॉक लग जाते हैं। खैर छोड़ो, एंड में ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो गिरने का ही डर है। खैर देखो ये अभी से खोदता हूँ मैं, रुको मैं एक तरीक, रुको नहीं, रुको रुको नहीं, इसमें क्या टाइम लगता है, मैंने डायमंड की पिकैक्स इसी काम के लिए बनाई है, आयरन रहता तो कुछ बोलता भी मैं। चलो ये इसे पूरी तरीके से बनाते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ वीडियो पे। यार वीडियो देखो पूरा, नहीं मन कर रहा है मत देखो, लेकिन यार कमेंट जरूर करो, अच्छा लगा तो लिख दो अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो लिख दो अच्छा नहीं लगा, और क्या कमी लगी ये बता दो यार, ताकि यार बढ़िया हो सके, हैं समझ रहे हो ना, कमी दूर की जा सके। तो तुम यार कुछ बताते नहीं हो, क्या अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा है कि नहीं है। खैर छोड़ो, चलो बात करते हैं उसके बाद की। अब देखो अब क्या करना है कि यहाँ से चार ब्लॉक ऊपर हम ब्लॉक लगा सकते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 अच्छा मतलब एक और यहाँ से, ये रहा हमारा फ्लोर, ये होगा हमारा फ्लोर। रुको यार ब्लॉक्स की कमी क्यों पड़ रही है, अच्छा बाकी डायरोइड टूट गया क्या, चलो कोई बात नहीं डायरोइड लगा देता हूँ, फिर डायरोइड के लिए हम लोग इन्वेंट्री हटा देंगे। ओह यार डैमेज आ गया। अच्छा मेरा ये वाला मॉड कैसा है ये बताओ, ये देखो अभी 20 हेल्थ है, मतलब ये बताता है हेल्थ कितनी है, जिस भी एंटिटी की है हमारी बताएगा, प्लेयर की बताएगा, और जो साथ में खेल रहे सबकी बताएगा, जॉम्बी की भी बताएगा, और डैमेज पड़ा ना किसी को तो वो भी बताएगा कि डैमेज कितने का पड़ा। अभी तुमने देखो 1 लिखा हुआ आया था, वो 1 का डैमेज पड़ा था ऊपर से कूदने पर, ऐसे होता है। खैर छोड़ो, अब देखो इसके ऊपर 1 2 3 4 हमने लगा दिए, चौथा वाला हमारा फ्लोर है, 3 ही ऊपर होते हैं खाली, चौथे वाले पर फ्लोर बनेगा।
ठीक है, तो चार ब्लॉक तक इसे ऊपर से खोद लेना है। पहले ऊपर वाले ही करना चाहिए, पहले नीचे वाला करोगे ना तो फिर कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले के लिए फिर मतलब पहुंचता नहीं ऊपर तक, पहले ऊपर वाला कर लो, आसानी रहती है बस यार, समझा करो यार दोस्त। चलो हो गया, हो गया शायद, नहीं ये भी खोदना है, ये भी खोदना है, ये भी पूरा खोदना है। ये प्लैंक्स वगैरह सब हटाऊंगा मैं, ये सब बेकार लगेंगे, बेकार क्या लगेंगे, ये सब स्पॉनिंग रोकेंगे। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं बता देता हूँ मैं, देखो 8x8 के ब्लॉक पे स्पॉन होते हैं मॉब्स, जो स्पॉनर है ना वहाँ से 8 ब्लॉक के रेडियस पे, मतलब 4 ब्लॉक इधर, 4 ब्लॉक इधर, 4 ब्लॉक ऊपर, 4 ब्लॉक नीचे स्पॉन होते हैं। नीचे स्पॉन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दाएं बाएं ऊपर स्पॉन होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ऊपर हम 3 ही ब्लॉक रखते हैं। बाकी वो तीनों को देखो ऊपर से ढक देते हैं, ये इसलिए खड़ा किया मैंने ताकि इस स्पॉनर के ऊपर मॉब स्पॉन ना हो, और तुम देखते जाओ पता चल जाएगा तुम्हें खुद ब खुद। हाँ तो देखो ऊपर का सीलिंग बनानी है, सीलिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ये हटाओ सारा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हट हट जा सिम सिम, रुको मैं इसे सब कुछ साफ़ करके मिलता हूँ तुम लोगों से। तो हमने पूरा साफ़ कर दिया है जहाँ तक हो सकता था, अब हमें सीलिंग बनानी है। सीलिंग बनाने के लिए इस लेवल पे ही बस ब्लॉक्स लगा दो सारे के सारे, इसमें क्या है, सीलिंग बना के ही मिलता हूँ तुम लोगों से। तो दोस्तों हमने इसको पूरा कर दिया है, सीलिंग बना दी पूरी तरीके से। अब देखो नीचे, नीचे भी 4 ब्लॉक, मतलब 4 ब्लॉक खोदने खोदने और 5वें पे होना चाहिए ज़मीन। अब देखो मैं यहाँ से नीचे खोदूँगा तो गिर जाऊँगा, लेकिन खोदना तो है, देखो खोदता हूँ, वही यहाँ बच गया मैं, 1 2 3 यही बचता और कहीं नहीं बचता मैं, 3 और 4 बस, 4 खोज दो, खोद दो 1 2 3 4 ठीक है, ऊपर स्पॉनर है, 4 नीचे खोद दो काफ़ी है। रुको अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लाइटनिंग लगाता हूँ, यार लग जा, देखो यहाँ एकदम लॉग लॉग लगे हुए हैं, सोचो यार लॉग लगे हुए हैं, इतनी इतनी पेड़ों की कमी है ऊपर, यहाँ लॉग लगे हुए हैं। रुको मैं तोड़ लेता हूँ, सब कुछ तोड़ लेता हूँ, बस बस ज़्यादा नहीं। हाँ तो हमें यहाँ आना है, यहीं से आए ना हम लोग शायद, यार कंफ्यूज ना करो यार, हम लोग यहीं से आए ना। रुको मैं यार सब कुछ ठीक करके दोबारा से प्ले करूँ। तो मैंने इसे काफ़ी हद तक इसकी ज़मीन भी प्लेन कर दी है, यार हालत ख़राब हो जाती है जब ना रवीन में गिरो 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 गिरो, एक तो गड्ढा है बहुत बड़ा वहाँ पे। खैर छोड़ो, हमने इसकी एक ज़मीन क्लियर कर दी है और एक ही वाला पावा यहाँ है, हम इसे पूरा क्लियर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भी तोड़ो इसे, तोड़ो इसे, तोड़ो इसे, ठीक है, और ये वाला तोड़ेंगे हम लोग। खैर रुको अभी देखना, अभी देखते जाओ तुम, ये तो बहुत कुछ तोड़ना है। अब थोड़ा एक्स का उठा लेता हूँ, एक से स्पॉनर था लेट में ढूंढता है मेरे हिसाब से, देखो मैं फिर से सब कुछ ना ठीक करके मिलता हूँ तुम लोगों से इस बार फाइनल। तो दोस्तों हमने फाइनली पूरा का पूरा खोद दिया है, इसमें कहीं भी एक भी ब्लॉक नहीं बचा। देखो इसके ऊपर वाला नहीं खोदना है, ठीक है, ऊपर वाला जैसा है वैसे रहने दो। और ये टॉर्चेस मैंने थोड़ी लगा रखी हैं कि स्पॉन ना हो जाए, थोड़ी और लगा देता हूँ। अब देखो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जहाँ भी तुम जाना चाहो, ठीक है, हमें सबसे पहले देखो जैसे मेरे पास बकेट है तो इन्फिनिट वाटर सोर्स पर बनाना है, या मैं जैसे मान लो इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग एक इन्फिनिट वाटर सोर्स, ऐसे 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 और ऐसे बन गया। बनने के बाद इसमें यहाँ पे एक वाटर, ये तो मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है ये सब, तो देखो पानी भी कैसा दिख रहा है, एक यहाँ और एक इस कोने, ठीक है, दो ही बकेट का काम है बस, काफ़ी है काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से पानी भर लो और भर लो और फिर इस वाटर सोर्स को बंद कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल वाली टॉर्च हटा दी है, लगा दूँ वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लगाना भी होगा तो थोड़ा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे अभी एक ब्लॉक ऊपर। खैर अब देखो अब क्या करना है, पहले इसे एक एक ब्लॉक खोद लो जहाँ जहाँ पानी नहीं है, वो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए बच के, जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ वहाँ पर लेके एक ब्लॉक खोद लो, ऐसे देखो मैं इसे पूरा करके मिलता हूँ। हाँ तो दोस्तों जब ऐसा हो जाए
तो ऐसा ही जो सेंटर ब्लॉक है ना, यहाँ पे खड़ा लो, जैसे मैंने पूरा खोद दिया है, यहाँ से सेंटर ब्लॉक पे खड़े हो, सीधे 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 यहाँ जाओ। अब देखो अगर जॉम्बी का स्पॉनर होता तो हम केवल एक ये ब्लॉक खोदते, लेकिन ये स्पाइडर भी है तो इधर भी खोद दो और एक इधर भी खोद दो, थ्री ब्लॉक का बना दो। ठीक है, थ्री ब्लॉक का बना दिया। अब टू ब्लॉक्स टॉलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ब्लॉक की हाइट काफ़ी है। ठीक है, और यहाँ तक चलते रहो, यहाँ से खोद दो, मतलब पाँच छः ब्लॉक खोद दो, बाकी देख लेंगे अगर कम ज़्यादा पड़ेगा तो वो। ठीक है, थोड़ा बहुत लगा लो। ये आपका रूम होगा जहाँ पे प्यार से बैठ के मच्छरों को मारना है, मच्छरों को नहीं, जो भी आए। ठीक है, इतना खोद दिया मैंने, कम पड़ेगा वैसे मेरे को पता है। अब देखो क्या करना है, ये जो जिस जिसको ये आखिरी पानी जहाँ जहाँ पे है ना, इन सभी ब्लॉक्स को खोदना है, एक दो तीन, हमेशा इसके ऊपर एक खड़े हो जाओ नहीं तो आपको पानी ढकेल देगा, फिर चार पाँच छः सात आठ और नौ। ठीक है, अब देखो अब इसको भी तोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और आपका पानी यहाँ तक आ रहा होगा। देखो अगर अगर आपके केस में बीच में पानी ना आए, जैसे मेरे में नहीं आ रहा, काफ़ी लोग का आ जाता है ना आए, तो कुछ नहीं करना, एक पानी वाटर बकेट उठाओ और जाके यहाँ डाल दो, बस काफ़ी है मेरे दोस्तों, हो गया। अब देखो आपके यहाँ तक आ गया पानी, बस यहाँ तक पानी आ गया तो यहाँ तक मॉब्स भी आएंगे। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे बड़ा सा रूम बना लो बढ़िया सा अपने लिए। देखो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिर से प्ले करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना रूम दोबारा से डेकोरेट कर लिया, दोबारा से क्या कर ही लिया, इसके पहले कहाँ किया था। अब क्या करना है आपको, देखो अपना किलिंग चेंबर बनाना है। अब आपको देखो इसको मारो, एक तोड़ो जहाँ तक पानी आया, फिर इसे तोड़ दो, फिर इसे तोड़ दो। ठीक है, तोड़ दिया, अब यहाँ तक आ गया पानी, अब इसे दोबारा पत्थर लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना, फिर जाओ क्राफ्टिंग टेबल अपना बना के रखना, मैं बताया था वुड लेके आना थोड़ा सा। ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल बना के रखो, वहाँ पे वॉल बनाओ, वॉल किसी भी चीज़ की वॉल बन जाए, डायरोइट ग्रेनाइट जैसे बन रही है मेरे यहाँ, तो छः की छः नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, ये हो गया, अब तीन यहाँ लगा दो, एक दो तीन, इससे क्या होगा ना, केवल एक ब्लॉक का इंसान जा पाएगा, मैं नहीं जा सकता अब यहाँ से वहाँ पर, केवल स्पाइडर्स ही आ जा पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अब क्रॉल है, जावा में क्रॉल करके जा सकता हूँ मैं, लेकिन वैसे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अब एक ही हो गया, अब यहाँ से ना अगर तुम इसे तोड़ दोगे ऐसे करके तो पानी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो पानी आए तभी तो मॉब्स यहाँ तक आएंगे, लेकिन तुम्हें जहाँ तक पता हो हमारी शॉट तीन ब्लॉक तक मार सकते। तो हम वापस आ चुके हैं यार, पता है बहुत बड़ा लोचा हो गया था। खैर छोड़ो, हम लोग जहाँ थे वहीं से वापस आ गए, हमने एक इन्फिनिट वाटर सोर्स यहाँ बना लिया है, थोड़ा सा मैं ब्रेक पे गया था। हाँ, तो हमने ये जो किया था इसे वापस भर देना है, मैंने पहले ही कहा था गड्ढा खोदना है उसके बाद वापस भर देना है। ठीक है, हाँ तो अब क्या करना है, देखो अब मेन पार्ट अब है, यहाँ लगाने हैं होपर, एक दो तीन यहाँ होपर लगेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है कलेक्शन सिस्टम बनाने पड़ते हैं तो चेस्ट वगैरह बनानी पड़ती है, तो पहले मैं वही चेस्ट वगैरह ही बना लेता हूँ, तो मेरे पास खूब सारा वुड है और बना लेते हैं प्लैंक्स। ठीक है, और चेस्ट देखो, एक डबल चेस्ट, ओ ओ बन जा, हाँ एक डबल चेस्ट मेरे कलेक्शन सिस्टम के लिए, बाकी एक हॉपर दो हॉपर तीन हॉपर। ठीक है, पांच चेस्ट काफ़ी है मेरे हिसाब से। आयरन तो मैं लेके नहीं आया, आयरन लेने वापस जाना पड़ेगा, खैर वो ले आएंगे हम, हॉपर वगैरह बाद में बनाएंगे। हाँ, और स्लैब, स्लैब भी बहुत ज़रूरी है भाई, स्लैब बनाना, तो स्लैब बनाते हैं हम। रुको मैं जाना लाख ही मिलता हूँ तुमसे। तो यार मैंने सोचा यार स्ट्रीम मतलब वीडियो पे ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं वीडियो पे ही करता हूँ। अरे मैंने वहाँ तीन ब्लॉक का गड्ढा खोदा है, पहले मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ से लैडर लगाते हुए चलूँगा ऊपर, पहले सारी लैडर बना लेता हूँ मैं। ठीक है, सारी सारी लैडर बन जाए, इसको यहाँ रखो, ओ गलत चीज़ रख ली, इसको यहाँ रखना था और इसको यहाँ रखना था। ठीक है, और लैडर लगाते हुए ऊपर चलना है, ऐसे ऐसे, चलो कम पड़ जाएगी तो क्या करूँगा, कम पड़ जाएगी तो और बना लूँगा, अभी मेरे पास बहुत सारा स्टिक प्लैंक्स हैं, 20 से तो नहीं बनेगा काम, चलो 30-40 काफ़ी है। ओहो चल अभी तू गिर जा, ठीक है तू गिर जा अभी, ठीक है, और जब गिर जाए तो फिर हमारे पास ये रही लैडर, लैडर लैडर लैडर, 30-40 लैडर, 40 लीटर इज़ इनफ, इतना भी नीचे नहीं हूँ मैं। ठीक है,
अब खोदते ऊपर जाना है, ठीक है, जितना खोद लो। उसके बाद लैडर लगानी है, रुको मैं ऊपर पहुंच के तुम लोगों से मिलता हूँ। बस पहुंच गया है हम लोग ऊपर, आखिरी सेट ऑफ लैडर्स। क्या ही, हाँ, और हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और हमें यहाँ पे निशानी बनानी होगी नहीं तो हम खो जाएंगे। तो यहाँ निशानी बनाने के लिए थोड़ा सा उसे गिराओ। मैंने क्या गिरा दिया, कोबलस्टोन फेंक दिया क्या? शायद कोबलस्टोन फेंक दिया। वह यार टट फेंक, चल कोबलस्टोन उठा के यहाँ रखो, इसे उठाओ फेंक दो। कोबलस्टोन कोबलस्टोन क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, निशानी बनानी है। कोबलस्टोन 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 इतना ज़्यादा लगेगा नहीं लेकिन कोई बात नहीं, कोबलस्टोन। चलो नीचे कूदो, चोट लग गई, एमएलजी पता नहीं क्यों की मैंने, ठीक है, मैं ऐसे हरकतें करता रहता हूँ। चलो ऊपर 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 पहुँच गया, और मैं फिर से चोट लगेगी धम। चल वेरी गुड, सो हम पहुँच गए। अब हमें जाना है आयरन लेके आना है, आयरन लेके आते हैं हम लोग फटाफट से। तो आयरन हमारे आइलैंड पे रखा हुआ है, मैं फटाफट से लेके यहीं मिलता हूँ अपने लोग। मैं अपने आइलैंड पे वापस आया और मैंने देखा यार मेरा पूरा आइलैंड जल रहा है पता नहीं कैसे, और बी आ गई यहाँ पे। मैंने जो पेड़ उगाया था उसमें बी ने स्पॉन हो गया यार, ये बहुत बढ़िया है। उल्टा मेरे पास बॉटल पड़ी हुई है, मैं वो शहद निकाल के देखता हूँ, मेरे को फिर स्लाइम की शायद ज़रूरत ना पड़े रेल ड्यूपर में। ऐसा रुको मैं देखता हूँ मेरे पास बॉटल है क्या, इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं, इसी वाले में है क्या कहीं बॉटल तो नहीं, हाँ ये रही बॉटल ही बॉटल है यार, तो मैं भी कैसा आदमी हूँ। रुको मैं बॉटल में कलेक्ट करके देखता हूँ, हनी शायद कलेक्ट हो जाए, एक बार में एक ही बॉटल होता है ना शायद। रुको रुको रुको, अरे भाई बहुत काम की चीज़ मिल गई, वो भी मेरे आइलैंड पे आई तो। ओह नहीं, गलती गलत होगी, सॉरी 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 सॉरी, पर नहीं वो मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था कैंप फायर लगाते हैं। अरे यार, ओह यार, सॉरी 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 बी सॉरी सॉरी हनी बी सॉरी सॉरी हर सॉरी हनी बी सॉरी। अरे यार देखा, मैं कैंप फायर लगा देता हूँ उसके नीचे, नहीं तो मेरे को ऐसा पता नहीं था यार निकालने से मारती हैं वो, कैंप फायर के लॉक चाहिए। अरे यार लॉक तो कहीं से भी आ जाएगा, ये चलता हुआ लॉक मेरी इन्वेंट्री भी फुल है, एक तो निकल, एक लॉग और। ओहो ये तो भाई पार्टी है वैसे, लेकिन गलती हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी एक लगाता हूँ बना के। एक मतलब कैंप फायर उसके ठीक नीचे होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नीचे, रुको रुको रुको, ये यहाँ लगा दिया मैंने। वो ये क्या हुआ, हनी भी मर रही है क्या, आवाज़ आई अजीब सी जैसे आग में जल के मर गई। उनकी हेल्थ होती है लेकिन यार आग में कैसे जल सकती हैं वो। खैर छोड़ो, हमें वन बॉटल ऑफ हनी मिला शायद, और ये इसके लिए चार बॉटल चाहिए, एक बॉटल मिला ना, कहाँ गया, हाँ एक यहाँ चला गया, सॉरी एक बॉटल ऑफ हनी यहाँ चला गया। चल कोई बात नहीं, देख लेंगे, हनी बॉटल शायद मैं पी सकता हूँ, ओ पीना नहीं है, और तो आग बुझ जा, फालतू में आग लगी हुई है। इसके चक्कर में पूरा आइलैंड में आग लग गई, मेरे पीछे वाले कंपोस्टर में भी आग लग गई, चल गया बट ये भी कोई बात है। चलो छोड़ो, मेरे को उसकी दिक्कत नहीं है, मैं वो सब तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन ये सही यार हनी भी ऐसे स्पॉन हो जाती है। खैर चलो इस बात में बाद में चर्चा करते हैं, पहले हमें चाहिए अपनी इन्वेंट्री खाली करना चाहिए, हमें खाली करेंगे इन्वेंट्री, ये रख दे, नहीं खाना कैसे खाऊंगा, तू रख दे, तू आ जा आ जा, तू आज रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे, नहीं तू आ जा, तू चले जा, कोई और आए क्या, आवाज़ आ रही नहीं, कोई नहीं, खैर इतना काफ़ी होगा, मेरे को आयरन चाहिए, आयरन चाहिए इस चेस्ट में, नहीं इस चेस्ट में, ये रॉ है बे, मेरे पास पक्का हुआ आयरन ख़त्म हो गया क्या, या मैं कहीं रख के गया था,
किसी चेस्ट में तो मैंने खाली जरूर किया था। जाने से पहले मैंने अपनी इन्वेंट्री कहाँ खाली करी थी। ये रहा आयरन, मेरा आयरन मिल गया। ठीक है, बाकी कुछ चाहिए नहीं मेरे को इसमें से। हाँ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आयरन मिल गया। हॉपर बना लेता हूँ, यहीं से हॉपर बना के लेके चलूँगा। ठीक है, और ट्रैपडोर्स भी आयरन के चाहिए मेरे को। तो हम ट्रैपडोर बना रहे थे। अरे ये हमारे घर पे बहुत डिस्टर्बेंस है। 1 2 3 4, ठीक है चार, ठीक है ये हो गया। चार ट्रैपडोर, चार नहीं तीन ही बना रहे थे। कैसा आदमी हूँ मैं, छोड़ो खैर। और हमें चाहिए हॉपर्स, हॉपर्स पांच हैं, पांच नहीं चाहिए, तीन ही बनाने हैं यहाँ पर। 1 2 3, बस थैंक यू भगवान, तीन ही काफ़ी हैं। ठीक है, ओके, एक बार मेरे को एक स्नैप लेना पड़ेगा, पावर नैप। चलो बस हो गया मेरा काम, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं था मेरे को। ठीक है, हम चलते हैं अब फटाफट से वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वहीं जहाँ जाना है। चलो चलते हैं। तो स्पॉनर तो बन गया, बस वहाँ पे टॉर्चेस हटानी है, बाकी आएंगे वो खुद ब खुद। मैं देखो वन क्लिक नहीं, वो वन शॉट किल नहीं बना पाया यार। उसके लिए यार सोल सैंड वगैरह चाहिए और टाइम भी चाहिए ना, समझ लो ना। पेपर चल रहे हैं मेरे अभी। चलो कोई बात नहीं यार, अगली बार एक और है वहाँ पे स्पॉनर, मैं जहाँ तक जानता हूँ। एक और क्या, बहुत सारे और हैं। अरे कहाँ गया मेरा, वो खो गया क्या? मैंने बहुत बड़ा सा पिलर बनाया था। देखो यहाँ से तो मेरा वहाँ जाने का रास्ता है, मरने का रास्ता है, यहाँ नहीं जाना कोई। ठीक है, वो रहा पिलर मेरा। सोचो इतनी दूर चले गए माइनशाफ्ट के अंदर। चलो कोई बात नहीं, वो यहाँ एक मिसिंग है, जाने दो। नीचे चलते हैं। वो उसे भर दूंगा मैं, नहीं तो कोई ना कोई तो गिर के मर जरूर जाएगा, या फिर नीचे मैं पानी लगा दूंगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ तो देखो ये हो गया, अब हमें क्या करना है कि ट्रैप डोर्स भी लगाने हैं और स्लैब्स भी लगाने हैं। अब मैं सब कुछ अपना रखा है, डायरॉइड बचाया है, डायरॉइड बचाया है, वेरी गुड। डायरॉइड के 6 स्लैब तीन ही काफ़ी हैं वैसे तो। ठीक है, 3 स्लैब्स यहाँ एंड में एक। अरे यहाँ नहीं महाराज, रुको अपना पिकैक्स तो नहीं रखा है मैं, तो उसकी भी HP कम हो गई है। वैसे इसे मैं रिपेयर करने की सोच भी नहीं रहा हूँ, जाने दो। हाँ तो 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब। अब इसे क्या होगा, बड़ा मॉब नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं भी नहीं जा पाऊँगा, इसे लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, हाँ तो इसे लास्ट में लगाएंगे। खैर तब तक यहाँ पे चाहिए हमें हॉपर्स। क्या चाहिए? हॉपर्स। हॉपर्स लगाने के लिए एक गड्ढा खोदो, एक और गड्ढा खोदो, एक और गड्ढा खोदो, अपनी मनचाही चेस्ट यहाँ पे और यहाँ पे गड्ढा खोद के लगा दो। 2 चेस्ट जो हमने देखो बनाई थी, 2 बची हैं, 5 बनाई थी, 3 का हॉपर बन गया। ठीक है, 2 चेस्ट यहाँ लगा दो, और उसके बाद पीछे जाएं। अब पीछे जा कर के कूदें ऊपर, और जो हॉपर बना के आप लाए हैं अपने आइलैंड से, उस सारे हॉपरों को ऐसे ना लगाएं, ऐसे ना लगाएं। ठीक है, ऐसे नहीं लगाते, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए मतलब सिखा रहा था मैं तुम्हें, ऐसे ऐसे नहीं लगाते। पहले चेस्ट में जाता हुआ हॉपर लगाएं, फिर हॉपर में जाता हुआ हॉपर लगाएं, फिर तीसरा हॉपर जो लगाएं वो भी हॉपर में ही जाता हुआ लगाएं। ठीक है, और टेस्ट कर लें ज़रूर, इसके अंदर ड्रॉप करें और यहाँ से कलेक्ट करें, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे तीनों हॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब स्लैब्स को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बिल्कुल नहीं यहाँ नहीं लगाने स्लैब। ठीक है, स्लैब नीचे गए, कलेक्ट हो गए होंगे, 2 स्लैब कलेक्ट हुए, अच्छा 2 स्लैब हैं। ठीक है, 4 स्लैब, स्लैब लगाने हैं इसके ऊपर। स्लैब्स क्या होते हैं, अगर हॉपर के ऊपर स्लैब लगाओ तो भी हॉपर कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कलेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऊपर लगाने हमें ट्रैप डोर्स, क्योंकि जो केव स्पाइडर्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, मतलब हद से ज़्यादा पतली होती है केव स्पाइडर, तो उसके लिए हमें ट्रैप डोर भी लगाना पड़ेगा। ओ मैं हूँ बुद्धू, पता नहीं कलेक्ट कैसे करूँगा, खैर छोड़ो वो देख लेंगे हम। यहाँ और यहाँ लगा दो, आयरन के हैं तो कभी खुलेंगे नहीं ज़िंदगी में। और यहाँ पानी डालो, देखो पानी बैक नहीं जाएगा, ऐसे यहाँ भी पानी डालो,
ठीक है। हाँ, अब मैं एक काम जो भूल गया हूँ वो करना है, वहाँ जाके हटानी है टॉर्चेस, शायद के स्पाइडर्स यहाँ तक आए और मुझे बख्श दें। बहुत दिन हो गए स्पॉनर बनाए हुए, तो टेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने कि मेरे को आता है कि नहीं। ठीक है, या कुछ कमी रह रही हो तो बताना ज़रूर। क्या बताओगे, मैं फिक्स ही कर दूँगा। हाँ, तो आधे घंटे के करीब की वीडियो हो गई है, इतनी बड़ी वीडियो मैं बनाता नहीं वैसे, लेकिन आज टाइम था थोड़ा। चल छोड़ो। हाँ, तो हमें इससे पता चलता है कि यहाँ से स्पाइडर्स वैसे तो नहीं आनी चाहिए, आया भी जाएंगी तो कुछ नहीं। भाई ये क्या हो रहा है? वे चल ले आगे। रुक जाओ यार, इसे बंद ही कर दूं मैं। क्या, नहीं बंद नहीं करूंगा। ये उधर क्यों जा रहा है पानी बैक करके? ओ शिट, लग रहा है मैं कुछ भूल गया। हाँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। देखो दोस्तों, मैं कुछ भूल गया हूँ, ठीक करता हूँ मैं। देखो मैं कुछ देख के आता हूँ। तो दोस्तों, मुझे पता चल गया क्या गलती थी। ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाना है, वो भी यहाँ पे नहीं लगाना। रुको मैं बताता हूँ, इसे तोड़ो। रुको मैं बताता हूँ, ध्यान से, ये एरिया बहुत बढ़िया वो है, डेंजरस। यहाँ से थोड़ा पानी आने लग जाता है। खैर देखो, यहाँ हो गया। अब देखो, पानी को एक ब्लॉक तक अंदर आने देना है, दो ब्लॉक तक नहीं। जैसे पानी यहाँ दो ब्लॉक तक अंदर आ रहा है तो यहाँ इसे रोक दो, यहाँ ठीक है, और यहीं लगा दो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीन साइन लग गए, और जब तीन साइन लग जाएँ तो यहाँ पे हॉपर से एक ब्लॉक पीछे वॉल लगानी है। वॉल वहाँ नहीं लगानी, वॉल हॉपर से एक ब्लॉक पीछे लगानी है। ये 12 ग्रेनाइट वॉल कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन हो गई। ठीक है, अच्छा वॉल लग गई। अब पानी डालना है, यहाँ से लो, यहाँ एक पानी डालो, और यहाँ से लो, ठीक है, यहाँ डाल दिया। आप ये जो स्लैब है ना, इस स्लैब को लगा दो पूरी तरीके से, इसके ऊपर लग जाए स्लैब। लग गया स्लैब, अब हमें इसको भरना है। भरना है ऐसे, मतलब जैसे एक ब्लॉक तो भरेगा ही, नीचे वाला भी भरना है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो बहुत ही छोटी होती है केव स्पाइडर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी छोटी। ठीक है, हमें इसे थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा आगे लगा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक से भी आ जाएंगे, ऐसी होती हैं छोटी सी वो। ठीक है, तो इसे भी बंद करो, बंद करो। और मेरे पास ब्लॉक्स की कमी है क्या? नहीं, हमारे पास टेराइट है। हाँ जी, और इसे तोड़ दो एक ब्लॉक नीचे का। यहाँ खड़े होकर आप मारोगे स्पाइडर्स को तो वो तुम्हें हर्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लगाऊं, नहीं नहीं ठीक है, काफ़ी है, हो गया, शायद स्पाइडर्स अब ना आए। तो मैं यहाँ बैठ के उन्हें मार भी सकते हो। मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसे भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब जाना है और जा करके वहाँ से वो निकालने, टॉर्चेस निकालने हैं। तो वो टॉर्चेस निकालने जाना है, तो रुको मैं निकालने का प्लान बनाता हूँ। तो दोस्तों, अभी बहुत बड़ा कांड होने वाला था। मैंने मतलब बनाया सही है, मैंने टॉर्चेस हटा दी और यहाँ से गया था टॉर्चेस हटाने। एक काम और करना भूल गया मैं, ये एक ब्लॉक का है, वैसे तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसे बंद करना तो बनता है पूरी तरीके से। ये गलत बंद कर दिया ना मैंने। उसे भी यहाँ से बंद करना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई नहीं आएगा वैसे। ठीक है, इसे बंद करना है पूरी तरीके से। और देखो, यहाँ से ना स्पाइडर्स आ जाएंगी, तो इसको काम नहीं समझने का। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा टॉर्चेस खूब सारी, क्योंकि ये जो स्पाइडर्स हैं ये दिन में नहीं मारती, मतलब उजाले में नहीं मारती। अगर उजाला रहेगा तो इन्हें लगेगा कि दिन हो रहा है और ये लोग नहीं मारेंगे हमें। ठीक है, और अब ये जो ये है, ये टॉर्च, ये स्पाइडर्स, इसके लिए क्या करना है बताता हूँ, सुनो।
इसके लिए क्या करना होता है कि एक ब्लॉक ऊपर लगाना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही हटाऊंगा ये सारी की सारी स्पाइडर्स आ जाएंगी बाहर, ठीक है। लेकिन हटाना तो पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं हम लोग, सॉर्ड रह के रेडी रहते हैं और शील्ड लेके भी। इसे एक ब्लॉक हटाना है, इसे एक ब्लॉक हटाना है, इसे भी एक ब्लॉक हटाना है, इसे भी एक ब्लॉक हटाना है, ठीक है। यहाँ लगा देंगे हम लोग टॉर्चेस जैसी थी, टॉर्चेस को कोई नुकसान नहीं, नहीं तो ये लोग मारेंगे बहुत। अब मेरे ट्रैप डोर्स का ये रहा ट्रैप डोर, हाँ सर, ठीक है। अब इसे तोड़ना है या ट्रैप डोर लगाना है। ओ माय गॉड, पार्टी हो रही है इन लोग की, तो मार देंगी मुझे ये। मार दो इन्हें सबको, मार दो सबको, मार दो। ओ माय गॉड, मैं मर ना जाऊं, पहले इसे बंद करता हूँ। ओ यार, शिट 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 शिट, भागो 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 यहाँ से भागो यार। रिस्पॉन पॉइंट सेट करें। ओह, बच गया मैं। बैक यार, तू और मरवा दे। हाँ ऐसे रुके रहो, तो मर जाऊँगा मैं। भूख फुल है, भूख फुल है, प्लीज़। बच गया मैं, बच गया। रुको रुको रुको, फुल होने दो, मैं बच गया। अभी तो मर जाता मैं। ओहो, बड़ी डेंजरस सिचुएशन है ये तो। यहीं खड़े होके लग रहा है एक्सपी लेनी पड़ेगी। ओ यार, शिट 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 शिट, इतनी दूर से मारती हैं क्या। मर गया मैं, मर गया, बच गया। रुको यार, यहाँ ना मेरे को पीसफुल करके आना पड़ेगा। अब और कोई चारा भी नहीं बचा मेरे पास, पीसफुल ही करना पड़ेगा मेरे को। रुको यार, मैं पीसफुल करके ना दोबारा आता हूँ। मैं बिना पीसफुल किए ही आ गया। मैंने कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इन लोगों को पीसफुल करके मारने का, तो मैंने सोचा कि बिना पीसफुल करे ही आ जाऊँ। अब यहाँ से भी मार पा रहा हूँ मैं देख सकता हूँ, बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ यहीं से मार मार के एक्सपी ले लेते हैं, और जाने की कहीं और ज़रूरत ही क्या है। चलो चलो, अबे मुझे कैसे देख यहाँ से, मेरे को जहर कैसे लगा पा रही है बे। अच्छा मैं उसे मार सकता हूँ, जहर भी तो लगा सकती है। रुको यार, यही सही है, एक्सपी यहीं से ले लो। चलो खैर छोड़ो यार, इस प्रोजेक्ट को कभी और करेंगे, तब तक के लिए मेरी हेल्थ बहुत कम है अभी, तब तक के लिए यार बाय। आज टाइम था इसलिए मैंने वीडियो बना दी। इस प्रोजेक्ट को कभी और पूरा करेंगे, पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। या फिर मैं पूरा कर दूंगा, आप लोग को दिखा दूंगा। अभी देखो बन गया पूरी तरीके से, बस यहाँ पे ना आयरन के ट्रैप डोर्स लगाने थे, अभी मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं भी नहीं है मेरे पास। तो चलो यार, जब कभी और करेंगे, तब तक के लिए यार ऐसा करो, सुनो मैं तो कहता नहीं लाइक करो वगैरह करो सब्सक्राइब करो, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने से ना पता चलता है यार कि बंदे देख रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं, मतलब बढ़िया है तो भी कमेंट करो, नहीं है बढ़िया तो भी बताओ यार कि क्या गलती क्या है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया करो, चाहे लाइक करो चाहे ना करो, ठीक है। चलो बाय बाय।